राजस्थान के सहकारिता मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना एवं देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत राजसमंद जिले की मेधावी छात्राओं को 51 स्कूटी वितरण की गई। आइए अब जानते हैं प्रभारी मंत्री क्या कुछ बोले। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन बच्चों के 75% से ऊपर नंबर आए हैं उनको स्कूटी दी जा रही है, इसलिए दूसरी बच्चियों के लिए भी आप उदाहरण है कि अगर वो पढ़ेगी तो उनको भी अब सम्मान मिलेगा, और उनको सम्मान मिलेगा तो उनके माँ बाप का नाम भी समाज में चर्चा में आएगा। तो अपने माँ बाप का नाम ऊपर करने के लिए बच्चे और ज़्यादा मजबूती से पढ़े, ताकि आगे अगले और ज़्यादा अगले साल हम और ज़्यादा स्कूटी लेकर आए और आपको सम्मान करें। धन्यवाद, जय हिंद। कार्यक्रम में स्कूटी वितरण के बाद छात्राओं में काफी उत्साह दिखा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। वार्षिकोत्सव में देशभक्ति गीतों पर थिरके कदम। सेंट फॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। बच्चों ने मन भावन कार्यक्रम पेश कर सभी अतिथियों व अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय प्राचार्य फादर जॉनी मैथ्यू ने बताया कि वार्षिकोत्सव इस बार परिवर्तन, एक बेहतर व सुरक्षित दुनिया की ओर पर आधारित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सिद्धार्थ दीप रहे। प्राचार्य ने बताया कि कार्यक्रम का आगाज अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रार्थना नृत्य से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद प्रिंसिपल फादर जॉनी ने गणमान्य अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत किया। साथ ही वार्षिक रिपोर्ट द्वारा अतिथियों व अभिभावकों को विद्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में जिला एवं सेशन जज ने कार्यक्रम में हुई प्रस्तुतियों से प्रभावित होकर छात्रों व शिक्षकों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहा। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। राज्य में सीएम अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर नगर परिषद सभागार में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगी, जिसका जिला प्रभारी मंत्री ने अवलोकन किया। इस मौके पर जिला प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत, भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, नगर परिषद उपसभापति चुनीलाल पंचोली, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुजर, कलेक्टर नीलाब सक्सेना, पूर्व प्रधान शांतिलाल कोठारी, पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, सीईओ उत्साह चौधरी सहित जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। आइए अब जानते हैं इस दौरान प्रभारी मंत्री क्या कुछ बोले। नेता है जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो उनको मुंह जबान याद है, पर मैं ये बात जरूर करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने घोषणा पत्र को राज का पत्र मान लिया, सरकारी दस्तावेज मान लिया, और उसी के अनुरूप सब विभाग काम कर रहे हैं। और आज 77% जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़ने से पहले राहुल गांधी जी के मुख से कराई थी, घोषणा पत्र जारी किया था, लिखित दस्तावेज जनता को दिया था, उस हक को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। उस वादे पूरे नहीं हो पाएंगे, 77% हो गए हैं। प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण मौजूद थे। सांसद दिया कुमारी नदी शहीदों को श्रद्धांजलि। सिक्किम के जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया, इसमें 16 जवानों की मौत हो गई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने ट्वीट करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सांसद ने लिखा कि उत्तरी सिक्किम में ट्रक खाई में गिरने से भारतीय सेना के जवानों की शहादत की खबर से मन व्यथित हैं। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें व घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि सिक्किम में जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें 16 जवानों की मौत हो गई। उन्होंने ट्वीट करते हुए देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस हादसे में घायल होने वाले
अन्य शहीदों को उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना की।